यार मैं ना बचपन में डोरेमोन बहुत देखता था और देखते देखते अजीब अजीब चीजें सोचता था कि जैसे अगर डोरेमोन के गैजेट्स रियल लाइफ में आ जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा ना। ये नोबिता कितना बेवकूफ लड़का है, एनीवेयर डोर होने के बावजूद भी स्कूल लेट पहुंचता है। मेरे पास अगर ये होता तो मैं जब मर्जी चाहे कहीं भी चला जाता। आपको भी कभी ना कभी तो मन हुआ ही होगा कि काश ये वाला गैजेट मेरे पास होता। खैर आज हम डोरेमोन के टॉप 5 गैजेट्स के बारे में बात करने वाले और समझने वाले कि क्या वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और काफी मजा आने वाला है। तो 5वें नंबर पे हमारे पास जो गैजेट आता है वो है मोशिमो बोकुसु, जिसे हिंदी एपिसोड्स में व्हाट इफ टेलीफोन बूथ के नाम से बताया गया था। कार्टून में ये एक नॉर्मल से टेलीफोन बूथ जैसी दिखने वाली चीज होती है, जिसके अंदर जाके अगर कोई फोन का रिसीवर उठाए और कहे व्हाट इफ, ऐसा लगाकर कुछ भी बोल दे तो वो सच हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ आई वर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी कि क्या हो अगर मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान हूँ। यहाँ पर वो इंसान के उसी वर्ल्ड में ये सब नहीं होगा, ये सब कुछ एक ऑल्टरनेट रियलिटी के तौर पर होगा, यानी कि वो उस टाइम के लिए वैसे ही दिखने वाले किसी और दुनिया में पहुंच जाएगा और ये सब एक्सपीरियंस तब तक करेगा जब तक वो वापस बूथ के अंदर जाकर विश को कैंसिल नहीं कर देता। अभी आपको लगेगा ये रियल लाइफ में थोड़ी ना हो पाएगा, वैसे क्या सच में नहीं हो सकता। आइए पता लगाते हैं। इस गैजेट में हम विश को अपनी असली दुनिया में पूरा नहीं कर सकते, कोई अलग ही दुनिया होती है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी काफी ज्यादा एडवांस्ड VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की, जिसे अगर हम अपने माथे पर पहने तो ऐसा लगे कि हम किसी और दुनिया में आ गए। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होनी चाहिए कि हम उन चीजों को टच करके फील भी कर सके। दूसरी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी उस डिवाइस के अंदर के स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि व्हाट इफ के बाद बताए गए सिनेरियो को समझकर वैसे ही नई दुनिया क्रिएट कर सके और हम VR पहनने के बाद जो भी एक्शन करे उस हिसाब से चीजों को बदल सके। तीसरी चीज कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जो कि हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट हो सके, जैसे कि हमारे फोन्स के साथ ब्लूटूथ से हेडफोन्स कनेक्ट हो जाते हैं, वैसा ही कुछ। लेकिन हमें अगर ऐसा डिवाइस चलाना होगा तो ऐसे तो चलेगा नहीं, उनको भी तो कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। इसीलिए हमें आज के मुकाबले लाख गुना ज्यादा अच्छे सुपर कंप्यूटर चाहिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सारी टेक्नोलॉजीज में से कोई भी हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। तो भैया इस डिवाइस का कंक्लूजन निकला है कि यस, व्हाट इफ टेलीफोन बूथ जैसा डिवाइस रियल लाइफ में पॉसिबल है। लेकिन आपको लगेगा कि इसको तो हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बस 30 से 40 सालों की बात है, 30 साल बाद भी ये वीडियो अगर YouTube रहा तो अवेलेबल ही होगा। तब आके कमेंट कर देना कि हाँ भाई ऐसा डिवाइस सच में आ गया है, और उतना वेट नहीं कर सकते तो अभी कुछ कमेंट कर दो और हो सके तो लाइक भी कर देना, इससे दिल को थोड़ा अच्छा लगता है। 4th नंबर पर हमारे पास जो गैजेट आता है उसका नाम है डोको डेमो डोर, जिसे हिंदी में एनीवेयर डोर के नाम से भी बुलाया जाता था। इसका इस्तेमाल कार्टून में कहीं भी कभी भी जाने के लिए किया जाता था। मतलब अभी मान लो कि मैं राजस्थान में बैठा हूँ और मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तो बस दरवाजा निकालो, खोलो और दरवाजे के उस पर एवरेस्ट होगा। अभी ये पता लगाते हैं कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पर हम एक जगह से दूसरी जगह पर मानो कि टेलीपोर्ट हो रहे हो, इसीलिए यहाँ पर हम दो चीजों के बारे में सोच सकते हैं। पहला है क्वांटम एंटेंगलमेंट। साइंटिस्ट आज क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स को टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो चुके हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो में बात की है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा बहुत ट्राई करने पर इन्फॉर्मेशन तो टेलीपोर्ट हो सकती है, लेकिन कोई फिजिकल वस्तु को टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके बारे में थोड़ा सा विचार करने पर थोड़ा बहुत टेलीपोर्टेशन का आइडिया तो मिल पाता है, लेकिन वो हमारी आज की एबिलिटी से कोसों दूर है। दूसरी चीज के बारे में हम सोच सकते हैं वो है वर्म होल्स। सिंपल भाषा में आप वर्म होल्स को स्पेस और टाइम के बीच का एक टनल जैसा सोच सकते हैं। वैसे तो वर्म होल्स के बारे में किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से वो जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। वर्म होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो कैसे आएगी किसी को नहीं पता। सो फिलहाल के लिए वर्म होल्स की थियरी तो बस एक सोच तक ही सीमित है। वर्म होल्स के बारे में सिंपल लैंग्वेज में डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो भाई अभी के हिसाब से तो एनीवेयर डोर जैसी चीज पॉसिबल नहीं लग रही, लेकिन हो सकता है कि मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स में और रिसर्च करके इस चीज के बारे में कोई रास्ता मिल सके। सो अभी की कंडीशंस को देखें तो एनीवेयर डोर इज नॉट पॉसिबल। नंबर 3 पर जो गैजेट आता है वो है टेक कॉप्टर, जिसे बैम्बू कॉप्टर भी कहा जाता है। कार्टून में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है, छोटे से पंखे जैसी, खिलौने जैसी चीज होती है जिसे सर पर लगाकर कहीं भी उड़ जाओ। अभी आइए देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज को तो जाने दो। अगर कोई हमारी मुंडी ऊपर की तरफ खींचता है तो
तो भी हमारी गर्दन टूट जाती है, तो सिर पर पंखा लगाकर उड़ने में तो तुम्हारा सर ही तुम्हारे शरीर से अलग होकर उड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चीज को साइड में रखो, और अगर सर में ऐसी कोई चीज नहीं लगा सकते तो पीठ पर कोई बैग जैसा लटका दो जिसके अंदर से पंखा निकले और हमें उड़ा सके। लेकिन यहाँ पर भी उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिससे मशीन का वेट काफी हैवी हो जाएगा, और पहले तो आप मशीन ही उठा नहीं पाओगे। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एक मिनी हेलीकॉप्टर जैसी चीज लगेगी जिसके अंदर हम बैठ सके और वो चेयर जैसी चीज उस मशीन को उठा सके। तो इसका कंक्लूजन ये है कि मिनी हेलीकॉप्टर तो पॉसिबल है लेकिन बैम्बू कॉप्टर पॉसिबल नहीं है। नंबर दो पर जो गैजेट आता है वो है 4-डाइमेंशनल पॉकेट। मतलब इस चीज के अंदर जितनी भी चीजें डालो निकालो इसकी जगह कभी खत्म ही नहीं होती। सबसे पहले तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि 3 डायमेंशन से भी ज्यादा डायमेंशन होती है। आइंस्टाइन का कहना था कि 4th डायमेंशन है वो टाइम है। और भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि 8 से 10 डायमेंशन हो सकती है। अभी जैसे मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ और उसमें कई जगहों पर 64 डायमेंशंस का भी वर्णन आता है, वैसे इस चीज पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अभी वैसे ये डायमेंशंस को ढूंढ के उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं। वैसे आज हम डिजिटली तो चीजों को अनलिमिटेड टाइम्स तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल चीजों को इनफाइनल स्टोरेज तक कैसे स्टोर करें ये किसी को नहीं पता। सो 4-डायमेंशनल पॉकेट की भी पॉसिबिलिटी आज तो जीरो ही है, लेकिन फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी बैम्बू कॉप्टर से तो ज्यादा ही है, क्योंकि वैसे तो ये काफी मुश्किल काम है लेकिन इसके ऊपर आज फिजिक्स की काफी सारी फील्ड में काफी जगहों पर रिसर्च चल रही है। सो मे भी आगे जाके इसकी कोई कड़ी मिल जाए जिससे 4-डायमेंशनल स्टोरेज जैसी चीजें पॉसिबल हो जाए। अभी नंबर 1 पर जो गैजेट आता है वो आप खुद गेस करो कौन सा होगा, क्योंकि ये सिर्फ डोरेमोन में ही नहीं काफी जगहों पर भी पॉपुलर है जिसके ऊपर काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है। अगर आपने गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि वो है टाइम मशीन जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उस चीज के बारे में जानने के लिए ये वाली वीडियो पे क्लिक करो।